दोस्तों नमस्कार, ये है अलवर प्याज मंडी और इस समय चल रहा है अलवर मंडी में प्याज का बीज। और दोस्तों आज आवक में काफ़ी बढ़ोतरी दिखाई दे रही है, चारों तरफ प्याज के बीज की गाड़ी दिखाई देगी। महुआ गुजरात के साथ साथ दोस्तों लोकल प्याज का बीज भी दिखाई दे रहा है और दोस्तों कुछ तुलाई भी चल रही है इसना चाहूँगा। और आज लग रहा है कुछ बिक्री में भी खुली हुई बिक्री दिखाई दे रही है। और चलते हैं दोस्तों आज की आवक बिक्री भाव इन सब के लिए जान लेते हैं और चलते हैं रुद्रदार भाई साहब के पास। और सबसे पहले रुद्रदार भाई साहब नमस्कार। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार। तो ये तो गाड़ी नई गाड़ी की शुरुआत हुई अभी इस समय तो आपके पास ये, और अभी जो कल वाली गाड़ी थी वो बिक गई। हाँ, कल वाली। कल शायद दो गाड़ी थी आपके पास जी। तो आज बिक्री का माहौल कैसा है? सबसे पहले आज ठीक रहा है। ठीक रहा है तो लगभग कितनी सेल होगी आज? सेल दो गाड़ी की सेल हो जाएगी, दो तीन गाड़ी की सेल निकलना अब इस समय एक बड़ी बात है। पहले तो काफी हुआ करती थी, सेल तो बढ़ेगी ना, समय आ गया। हाँ, अलवर का भी लोकल ग्राहक चालू हो गया होगा। और मतलब क्या भाव खुला आज? आज बाजार गुजरात वाला 22 रुपए से लेके 25 रुपए। ये तो लगभग स्थिर भाव बना हुआ है गुजरात वाला। और अपने पास जो लोकल बीज है उसका क्या भाव है? लोकल 4000 से 4500। मतलब कुल मिला के आज स्थिर भाव रहा है, बिक्री सही खुली है, बिक्री सही खुली, बाजार तो वही है, बाजार वही है। तो ये बीज दिखा देते हैं दोस्तों, बीज काफ़ी बढ़िया है दोस्तों। ये नई गाड़ी अभी शुरुआत हुई है इनके पास और अभी खुली थी ये। और अपने पास लोकल कौन कौन सा है फिलहाल? अलोरा और पटेला सरकार। लोकल कितना माल होगा अपने पास? लोकल तो थोड़ा ही माल बचा है, 50 से 100 बचा है। और ये अलवर मंडी में सब फिलहाल कितनी गाड़ी आज मोबाइल? चार गाड़ी है। हमारे पास तो नंबर वन का माल मिलता है, हम माल बेचते नहीं है। तो ग्राहक ऑर्डर का माल भी हमारे पास। ग्राहक कहाँ से आ रहे हैं? ग्राहक कहाँ से आ रहे हैं? पंजाब के आते हैं, यूपी के आते हैं, लोकल भी आ रहे हैं। एक किसान खड़े हैं भाई साहब, कहाँ से आए हैं? थाना गाजी से आए हो आप? तो आपने तो लोकल की बुआई चालू कर दी है, मतलब कब से चालू करोगे? बीज लेने आए हो तो कौन सा बीज बोना चाहोगे इस बार? बढ़िया लेंगे। अच्छा, बढ़िया ही लोग है। चलो ठीक है सर, भैया ने भी जानकारी दी, इनका बहुत बहुत धन्यवाद।